असुरेंस। तो अब हम लेकर के आ गए इंग्लिश मीडियम क्लास इलेवेंथ का जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है उसे मैक्सिमा एंड मिनिमा का आज बात करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चे बोलते हैं कि सर छोटा छोटा आप लिख देते हैं कभी कभी, तो लीजिए लिख दिए बड़ा बड़ा, है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, और लास्ट में इस पे फिजिक्स में कैसे मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन होता है वो भी आपको दिखाने जाएंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब कि मैक्सिमा मिनिमा से आप क्या समझते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होगा। हाँ सोचो, मैक्सिमा मिनिमा में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होगा, और मैक्सिमा मिनिमा का फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन होगा वो भी लेके चल रहे हैं, है ना। तो देखो बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम पहले समझिए ध्यान से। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम है लो, वाह। किसी दिन आप जा रहे हैं किसी पास से, किसी रास्ते से, तो आप सबसे गहरे में सबसे नीचे मिनिमा, है ना, सबसे लोएस्ट पोजीशन पर आप कब थे, और सबसे पिक पोजीशन पर या हाईएस्ट पोजीशन पर आप कब थे, सोचो। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बाबू जब तुम जा रहे थे, मान लो किसी डे मंडे, मंडे को आप किसी रास्ते से जा रहे थे, तो आपने क्या देखा कि जब आप जा रहे थे तो सबसे ज्यादा डेप्थ गहराई में आप यहां थे, और सबसे पिक पोजीशन पर आप वहां थे। मतलब क्या कि आपके जाने के दौरान मंडे को आपसे पूछा जाए कि आप मिनिमम पोजीशन पे कहां थे, तो आप यहां बोलेंगे, और मैक्सिमा पे कहां थे, तो वहां थे, है ना। किसी अदर डे, जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन का अगर मैक्सिमा और मिनिमा कुछ आया है तो दूसरे फंक्शन का भी मैक्सिमा मिनिमा वही आएगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अगले दिन आप जिस रास्ते से जा रहे हो उसका मिनिमा वहां गया, देखो सामने है, यहां गया, ये मिनिमा हो गया और ये मैक्सिमा हो गया। लेकिन क्या उसका मैक्सिमा सेम है? नहीं नहीं। कहने का मतलब बच्चों कि अगर आप बात करें मैक्सिमा मिनिमा का, तो मान लिया जाए ट्यूसडे को जा रहा था, तो मंडे को वो मिनिमम पोजीशन पे यहां था और मैक्सिमम पोजीशन पे वहां था, लेकिन ट्यूसडे को जब वो जाने लगा किसी अनदर पाथ से, तो क्या हुआ, हुआ यूं कि जैसे ही वो जा रहा था तो यहां पे उसको मिनिमा मिला और यहां पे मैक्सिमा मिला। कहने का मतलब बच्चों ऐसा रास्ता नहीं है, ये थोड़ा और, है ना, इसका इंक्लाइनेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी उसको नहीं जा पाएगा। चलो कोई प्रोसेस होगा जिसे वो चला जाएगा, है ना, आर्मी मैन होगा, है ना, आराम से जाकर के एकदम बाय द हेल्प ऑफ रोप, रस्सी, है ना, उसके हेल्प से ऊपर चला गया होगा। कहने का मतलब कि जैसे ही मैक्सिमा मिनिमा का बात किया जाएगा, किसी फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा का बात किया जाएगा, तो उस फंक्शन में मैक्सिमा का बात किया जाएगा तो वहां मीन्स पिक पोजीशन पे, मिनिमा मतलब कि सबसे ज्यादा डेप्थ में। क्लियर हो रहा है ना बेसिक? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मिनिमा का, फंक्शन का मिनिमा का मतलब क्या कि सबसे नीचे, और मैक्सिमा का मतलब क्या कि सबसे ऊपर। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, अब वो बताने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा का मतलब आपको समझ में आया, आप ऐसे ही रफ स्केच कर सकते हैं फिगर। लेकिन अब कंडीशन का बात करने जा रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशन का। बच्चों ध्यान से सुनना, ये ध्यान से एकदम देख लिए, लेक्चर सुन लिए, तो कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम मिनिमा इतना ही सिर्फ, देखो मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल पढ़ने वाला मैक्सिमम मिनिमा, लेकिन फिजिक्स में जितना पढ़ना है उसके लिए बहुत ही डिटेल हम रख रहे हैं आपका आज का लेक्चर, है ना। तो देखा जाए, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल इफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
इफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन मीन्स dy by dx इज इक्वल टू जीरो जीरो है ना, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो होना होगा, dy by dx इक्वल टू जीरो। समझिएगा पहले, ये एक कंडीशन हुआ, एक और कंडीशन है बच्चों, तो सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि इसे पता ही नहीं चलता है कि फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल इफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन मीन्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब कि डीवाई बाई डी एक्स अगर जीरो हो रहा है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब जरा सा देखिए, दो फंक्शन दिखाते हैं आपको, यहां पर ये y है, ये x है, ये मैक्सिमा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिमम पोजीशन है। दो पॉइंट ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, ये x1 है, ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ये x2 है, मींस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x1 है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x2 है, और x1 तो y1 यहां होगा, ये y1 है, x2 तो y2 यहां होगा। अब आप बताइए, ये तो हमेशा इक्वल है, y1 इक्वल टू y2। बोलो, इफ एनी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा, तो हमेशा इक्वल होगा, मींस y1 इक्वल टू y2 होगा। तो x1 y1 x2 y2, तो y1 y2 इक्वल। ओके, ये है मैक्सिमा, मीन्स फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें अगर हम लोग देखें बच्चों, यहां भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, देखो इसमें सबसे ज्यादा हाइट पे यहां पहुंचे, देखो नीचे है ये, तो सबसे ज्यादा ऊपर ये है और ये सब ऊपर है और सबसे नीचे ये है, वाह। तो अब देखो यहां पे x1, यहां पे कोई पॉइंट मान लो x2, ये जीरो और ये y1 इक्वल टू y2। क्यों क्यों, क्योंकि फिर से वही लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। सोचिए अगर ऐसा है बच्चों, तो हम लोग यही देख रहे हैं कि यहां पे मिनिमा आया, अगर स्पीड स्लो लगे स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर करने जा रहे हैं। समझिएगा, ये है x1 तो ये है y1, ये है x2 तो ये है y2, तो यहां y1 y2 इक्वल होगा, बिकॉज दिस स्ट्रेट लाइन दिस टेंजेंट ऑन द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। इन दिस केस y1 इक्वल टू y2 है ना, तो x1 तो y1, x2 तो y2, y1 y2 के इक्वल है, बिकॉज दिस स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर हुआ, हुआ। अब देखिए तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैक्सिमा है, यहां पे मिनिमा है, दोनों के लिए एक साथ डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान देना, dy by dx, dy means चेंज इन y, y2 minus y1, और dx means चेंज इन x, x2 minus x1। बोलो अब बताओ, y2 minus y1, तो y1 के जगह y2 है, तो y2 minus y2, y1 y2 के जगह भी y1 रख सकते हैं, सेम बोथ आर इक्वल, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y2 जीरो डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो आ गया dy बाय dx इक्वल टू जीरो। dy बाय dx इक्वल टू जीरो, लेकिन इससे जीरो से पता ही नहीं चलेगा कि फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है। वाह क्या बात है, सोचो जरा सा, पहले तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू रहे या मिनिमम को निकालना रहे, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ एनी फंक्शन, देन इनिशियली वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इट बिकम्स जीरो। मींस
मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल इफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0। तुम दिमाग में सेट रखो बच्चों, देखो तो यहां पर भी और यहां पर भी टेंजेंट जो है वो टेंजेंट जो है मैक्सिमा पे या मिनिमा पे, मींस मैक्सिमम वैल्यू पे या मिनिमम वैल्यू पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, तो वाई इक्वल होगा कि नहीं होगा। और डीवाई बाय डीएक्स मीन्स चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, तो वाई में चेंजिंग का बात करेंगे तो वाई टू माइनस वाई वन मीन्स वाई वन का वैल्यू वाई टू पुट कर दिए तो वाई टू माइनस वाई वाई टू कैंसिल हो गया और एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो डीवाई बाई डीएक्स बिकम्स जीरो। यानी इसे पता ही नहीं चल रहा है ना। चलो दो जुड़वा भाई हम ले लिए, तो दोनों जुड़वा भाई का अगर हम लोग बात करें है ना, देखो देखो ध्यान दो, डीवाई बाई डीएक्स दोनों के लिए मैक्सिमा मिनिमा है ना, दोनों पे टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, दोनों जुड़वा भाई का हाइट सेम है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहला केस ये है बाबू कि हम लोग देखेंगे कि डीवाई बाय डीएक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पहले इसको डिटेल में समझो बाबू, अगर डीवाई बाय डीएक्स जीरो आ गया तो इस सबको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा। वाह, तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे। वाह, ध्यान देना बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा तब पॉसिबल होगा जब डीवाई बाय डीएक्स जीरो होगा। फिजिक्स में इतना ही यूज में आता है, फिजिक्स में इतना ही यूज में आता है, इतना ही से काम हो जाता है। लेकिन बताओ बाबू, अगर इतना ही से काम हो जाता है तो पता ही नहीं चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, हम लोग फंस जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बस रटा रटा या बना लेंगे। तो अगला कंडीशन पे आते हैं और ग्राफ बना के क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट से और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको आज पूरा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा एक लेक्चर में, है ना। तो जल्दी से लिख लीजिए, एक तो कंडीशन याद रखना है कि फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है, जीरो होता है। जल्दी जल्दी, चलिए एक बात तो आपको क्लियर हो गया बच्चों कि डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमा और मिनिमा, इट मींस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। लेकिन और कंडीशन है जो याद तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन आपको अच्छे से एकदम ग्राफ ड्रॉ करके एकदम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं आज, देखिएगा। अनदर कंडीशन इज फॉर मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन dy by dx इक्वल टू जीरो, ये तो अभी बता दिए, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d स्क्वेयर y by dx स्क्वेयर इज लेस देन जीरो। वाह, देखो बाबू, पहले हम आपको याद करने के लिए इसको बोलेंगे और फिर हम आपको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से और ग्राफ ड्रॉ करके आपको विश्वास दिला देंगे कि मैंने जो कहा है वो सही है, राइट। तो चलिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू जीरो एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, मैक्सिमा के लिए ये लेस देन जीरो होता है, इट मीन्स dy by dx equal to 0 and d square y by dx square less than 0। दिमाग में आएगा कि सर मैक्सिमा के लिए लेस देन, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है, नहीं लगना चाहिए, है ना। रटवा नहीं रहे बाबू, रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम पूरा क्लियर करेंगे, अभी क्वेश्चन को डायरेक्ट इससे बनाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, विश्वास हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो dy by dx equal to 0 और d square y by dx square less than 0, इसको और भी लिखते हैं बाबू, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कि दो बार डिफ्रेंसिएशन किए, देखो ये मतलब है इसका, ये मतलब ये, देखो कोई फंक्शन है y, तो y का डिफ्रेंसिएशन हमने एक बार किया x के रेस्पेक्ट में
और फिर से हमने उसको डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो दो बार डिफरेंशिएशन तो सेकंड ऑर्डर, तीन बार तो थर्ड ऑर्डर, n बार तो nth ऑर्डर। nth ऑर्डर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं d का पावर n y बाय dx का पावर n। मीन्स ये कौन सा है डेरिवेटिव? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएट किए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएट किए, दिमाग में सेट रखना। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक बार डिफरेंशिएशन का फिर से डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? हुआ ना? चलो, तो मैक्सिमा का बात ये हुआ। अभी तो फिलहाल याद ही कर लो, लेकिन तुरंत हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, पूरा क्लियर करते हैं कि क्या होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से मैक्सिमा का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमा का बात करेंगे तो हम लोग यही देख रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन dy by dx = 0 एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d square y by dx square इज लेस देन 0। याद हो गया? क्लियर हो गया? लेस देन 0 याद रखना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0, मैक्सिमा है तो मत सोच लेना ग्रेटर देन 0। ठीक ना? चलो जल्दी लिख लो, पूरा किसी में चेंज करते हैं अगला, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन dy by dx equal to 0 एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। ओके, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, याद रखना। मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 होता है ये, और मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0, ये तो दोनों के लिए वैलिड है, ग्रेटर देन 0। Understood or not? क्लियर हो रहा है ना? तो सोचने वाली बात यह है बच्चों कि फंक्शन के मिनिमम वैल्यू के लिए dy by dx तो 0 होगा ही, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए dy by dx 0 होता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। अब हम आते हैं तुरंत, ये थ्योरी डिटेल में आपको हमने समझाया, अब हम आते हैं तुरंत न्यूमेरिकल पे और पूरा क्लियर करते हैं। जल्दी लिखो जल्दी, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा ही क्यों, मैक्सिमा के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 ही क्यों, ये सब कुछ अभी क्लियर करने जा रहे हैं। पूरा देखो ना लेक्चर, पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं। तो फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, पता ही नहीं हमको कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम। जो फंक्शन अभी हम आपको देंगे उसे पता ही नहीं है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, चेक करेंगे पहले। हाँ, तो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ, दोनों लिख के आपको कंफ्यूज कर दिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। तो बना ही नहीं है अभी हमको, पहले तो बनाते हैं बाबू, जो तरीका हमने सीखा है उससे बनाते हैं, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है हम उससे बनाने जा रहे पहले, है ना, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर आप कैसे बता रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही हम डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमा हो या मिनिमा हो दोनों के लिए 0 होता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमा होगा, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा होगा। चलो बच्चों ध्यान देना, फाइंड द मैक्सिमम एंड और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y = x - 2x। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू दिया है x स्क्वायर माइनस 2x दिया है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमम इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन dy by dx इक्वल टू 0। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली, दिमाग में सेट रखना है कि मैक्सिमा पूछे या मिनिमा पूछे, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 0। तो सोचो बच्चों, y इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 2x, तो dy by dx तो आता है आपको, कितना आसान है देखो, लगा कि सर ये तो डिफरेंशिएशन का ये तो एप्लीकेशन हो रहा है सर, सच बात है, मैक्सिमा मिनिमा में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है और फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन होता है,
तो देखो बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को अलग कर दो, माइनस डी डी एक्स ऑफ टू एक्स को अलग कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और माइनस टू बाहर, x का डिफ्रेंसिएशन 1, ये तो याद होगा आपको। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस टू, इसमें तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। बोलो बोलो, बोल दो जल्दी बोल दो। अरे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई dx तुमको निकालने आता है यार। अरे बोलो, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x है, अभी पता नहीं है dy बाई dx से पता नहीं चला कि मैक्सिमम की मिनिमम पता नहीं चलेगा अभी, लेकिन एक और कंडीशन है ना उससे पता चलेगा। तो बताइए dy बाई dx इक्वल टू जीरो, तो dy बाई dx पहले हम फाइंड आउट कर लिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बहुत बार बताएं 2x पावर से मल्टीप्लाई पावर माइनस 1, तो पावर 2 से मल्टीप्लाई पावर 2 माइनस 1, 1 1 हिडन रहता है, माइनस 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो आ गया 2x माइनस 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा बाबू, dy बाई dx इक्वल टू जीरो, तो dy बाई dx बिकम्स जीरो, dy बाई dx इज 2x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 1। अब जो भी वैल्यू आए, कितना आसान है, टफ नहीं है बाबू, एकदम इजी है। हाँ, कोई भी वैल्यू आए, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आए या मिनिमम आए हमको नहीं पता, लेकिन इसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आया मिनिमम नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा वो x इक्वल टू 1 पे ही आएगा। यहां से पॉइंट मिल गया, तो जल्दी यहां तक उतारिए जल्दी फास्ट। क्लियर हो गया होगा, एक बार में क्लियर हो गया होगा, dy बाई dx हमने फाइंड आउट कर लिया, x स्क्वायर डिफरेंशिएट 2x और अब 2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2x माइनस 2 जीरो कर दिए, तो आ गया x का वैल्यू 1, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। जल्दी अब देखिए बाबू, अब यहां से पता ही नहीं चल रहा है कि मैक्सिमा की मिनिमा, तो हमने एक बात याद कर रखा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमा। चलिए तो अभी देख लेते हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ याद होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 2x माइनस 2, क्या बात है, इजी लग रहा है ना बच्चों, बोलो बोलो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 2x माइनस 2 अलग अलग कर दो, डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी डी एक्स ऑफ 2, 2 बाहर आ गया, x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 और कॉन्स्टेंट का 0, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। बोलो, अरे एकदम आसान लग रहा है ना बाबू, पहला नंबर डिफरेंशिएशन किए x के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 किए, वहां से कोई पॉइंट मिला हमको x इक्वल टू 1 मिला, राइट और अभी इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन ऐसा लेके चलेंगे, अभी एक इजी फिर एक और इजी उसके बाद एक टफ जिसमें दोनों रहेगा मैक्सिमम मिनिमा, और एक फिजिक्स का क्वेश्चन पूरा मैक्सिमम मिनिमा तुमको एकदम फिजिक्स के लिए। हाँ चलो देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किए, तो एक बार डिफरेंशिएशन का फिर से डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मीन्स 2x माइनस 2, ओके, तो 2 x का डिफरेंशिएशन सेपरेट कर दिया और 2 का अलग, और 2 बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का कांस्टेंट का 0, तो आगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 2 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इट मीन्स बोलो बोलो, अरे ग्रेटर देन 0 रहता है तो मिनिमा, इट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज पॉसिबल एट x इक्वल टू 1। तो देख लेते हैं मिनिमम वैल्यू कितना है फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू आया ना, अरे बोलो dy बाई dx 0 किए तो x इक्वल टू 1 आया ना, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आया, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, तो जब 2 0 से ग्रेटर है तो मिनिमम,
ये बात तो हम लोग जो पढ़े हैं थ्योरी उससे कंडीशन पढ़े हैं उससे आया, फिर ग्राफ ड्रॉ करके आपको विश्वास दिलाएंगे, है ना। तो जल्दी उधर लिखो मिनिमम वैल्यू होगा कितना ये देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो देखा जाए बच्चों, y इक्वल टू कितना है x स्क्वायर माइनस 2x, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x में x का वैल्यू रखेंगे कितना 1, क्योंकि देखो कौन सा पॉइंट है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 इज द आंसर। अरे बोल दो बोल दो, एक्स इक्वल टू वन पे मिनिमम वैल्यू आया, वो मिनिमम वैल्यू होगा कितना कितना, तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2 इंटू 1 यानी माइनस 2 यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 आंसर। लेकिन अब ग्राफ से क्लियर करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को, यानी आपको विश्वास दिलाने जा रहे हैं कि सर क्यों, आखिर क्यों हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन ग्रेटर देन जीरो करेंगे तभी मिनिमा होगा, कैसे सर? तो बात क्लियर करने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो चलिए उतारिए जल्दी, कोई भी चीज पढ़ो बाबू उसको डिटेल में पढ़ो, ना कि ऊपर ऊपर रट लो। अब रटोगे तो याद ही नहीं रहेगा, भूल जाओगे कि सर मैक्सिमा में ग्रेटर देन जीरो होता था कि मिनिमा में, गए हो ठाकुर तो की हो, है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बाउंड्री है बाबू, x इक्वल टू 1 आया था डिफरेंशिएशन के बाद, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के बाद जीरो करने से x का वैल्यू 1 आया था, वो बात याद रखना, और बस वो पॉइंट याद रखोगे क्योंकि वही बाउंड्री है और दिखा रहे भी यहां से भी वही बाउंड्री कैसे है। ग्राफ में तीन पॉइंट लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्रेट लाइन है कि वक्र है कर्व है, लेकिन यहां से पता चल जाएगा पांच पॉइंट लेंगे कि कर्व ही है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन से मिलाते तो ऐसा हो जाता है, राइट। तो देखिए बच्चों तीन पॉइंट से पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने मिनिमम 5 पॉइंट लिया। तो बोलिए एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 1, तो 1 के पहले 0 आएगा माइनस 1 आएगा, 1 के बाद 2 और 3 आएगा, 1 पे वैल्यू 1 आया था कि माइनस 1, अच्छा माइनस 1 आया था, 1 पे वैल्यू माइनस 1 आया है। अरे बोलो बोलो, अरे x का वैल्यू जब 1 पुट किए तो माइनस 1 आया ना, हाँ। जब 2 पुट करो तो 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, अरे बोलो यार, 1 पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 और 0 पे 0, देखो एक जैसा मिलने लगा। और जो वैल्यू 3 पे आएगा, क्योंकि ये बाउंड्री है मैक्सिमा या मिनिमा, तो बोलो चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो तो उसके दोनों तरफ वैल्यू एक जैसे रहेंगे, ठीक है। तो जो आगे वही वैल्यू पीछे रहेगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के आगे पीछे नेचर सेम रहेगा, ओके सिमेट्री रहेगा, तो सिमेट्री रहेगा तो देखो आंसर सेम आएगा, 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9, बोलो बोलो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू या 6 तो 3 आया, यहाँ पे भी आंख बंद करके 3 रख दो, नहीं विश्वास है लो रख देते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 1 3 हो गया, विश्वास हो गया, देखो तो एक जैसा है वैल्यू, है ना। अरे वाह, अब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो विश्वास हो जाएगा बाबू कि सच में सर डिफरेंशिएशन करने से जो आ रहा है, हम ग्राफ ड्रॉ करके आपको विश्वास दिला रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट उसी से बनाएंगे कि मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए डीवाई बाई डीएक्स जीरो होता है, और मैक्सिमा के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है, और मिनिमा के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है। क्या हो गया होगा, चलो ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते बाबू, विश्वास दिला देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ सर अब तो हम बना लेंगे, अब तो सच में वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, है ना। माइनस 1 से 3 तक, माइनस 1 1 2 3 राइट, 3 से बस 3 3 1 2 3 1 2 3 राइट, तो माइनस 1 पे 3, माइनस 1 पे 3 बहुत अच्छा,
जीरो पे जीरो, वन पे माइनस वन। अरे बोलो, ये तो सिंपल सा ग्राफ है बाबू। वन पे माइनस वन, बोलो बोलो, माइनस वन पे थ्री, राइट। जीरो पे जीरो, बहुत अच्छा। वन पे माइनस वन, ये भी ठीक। टू पे जीरो, वाह वाह। थ्री पे थ्री, क्या बात है। जरा मिला लो, मिला लो। स्ट्रेट लाइन में मिलाते तो नहीं मिलता पूरा पॉइंट। कर्व हो गया, जरा देख के इसको सोचो तो ये मिनिमा है ना। कहा x इक्वल टू वन पे और y इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू वन और y इक्वल टू माइनस वन। मीन्स किस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू वन पे कितना, तो y का वैल्यू कितना है मिनिमम, माइनस वन। माइनस वन से छोटा है वैल्यू नहीं, इससे बड़ा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, लेकिन इससे लेस नहीं है, क्योंकि ये मिनिमा है। सच, तो ग्राफ से आपको विश्वास हमने दिला दिया कि सच में सर dy by dx जीरो होगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर अभी टू आया था, देखा होगा, तो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सच में सर मैंने विश्वास कर लिया कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमा ही होगा। क्लियर? चलो जल्दी 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 लिख लो बाबू। अब देखो एक और क्वेश्चन से आपको हम मैक्सिमा क्लियर कर देते हैं, और एक क्वेश्चन से मैक्सिमा मिनिमा दोनों, और लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या बोलो, वो होगा फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन होता है डिफरेंशिएशन का, है ना, मैक्सिमा मिनिमा का। तो आइए नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। क्या हुआ? और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिख रहे, कॉन्स्टेंट इसलिए बाबू क्योंकि ग्राफ बनाने में आपको परेशानी होगा, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा इसीलिए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से वही बात, चाहे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहे या मिनिमम वैल्यू रहे, क्या सोचते हैं, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन देन इनिशियली वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए और उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, राइट। तो फोर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन, ऑफ एनी फंक्शन dy by dx becomes जीरो। इक्वेशन फर्स्ट, बस प्रोसेस एकदम वही है बाबू। dy by dx निकालेंगे, जीरो करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और अगर लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमा, दैट्स ऑल। क्लियर? तो चलिए बात वही है, ध्यान देना dy by dx जीरो। लेकिन पहले तुमको क्लियर करना है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि सच में सर वैसे जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमा होगा, ये पहले विश्वास दिलाना जरूरी है ना। तो बताइए dy by dx इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, तो dy by dx, तो ddx ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, राइट। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो dy by dx, तो ddx ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, बहुत अच्छा। अब क्या होगा, तो दोनों को सेपरेट करते हैं, तो माइनस बाहर लेके चल देते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस फोर बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स। अरे बोल दो बोल दो, अरे
अरे सेपरेट कर देते हैं ना, तो माइनस बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और प्लस फोर कॉन्स्टेंट बाहर एक्स का डिफरेंशिएशन, क्लियर? अरे बोल दो, माइनस बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस फोर बाहर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, क्लियर? माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स और फोर एक्स का डिफरेंशिएशन वन, यानी डीवाई बाई डी एक्स जो आ गया बच्चों वो आ गया माइनस टू एक्स प्लस फोर। आया कि नहीं आया? आया ना? अब देखो बच्चों, अब ऐसा है जब माइनस टू एक्स प्लस फोर आ चुका है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू फोर, टू एक्स राइट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू फोर मीन्स x इक्वल टू टू। अब यही है वो पॉइंट जिसे फंक्शन का या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम, राइट? क्लियर हो रहा है ना? सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डीवाई बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी वैल्यू रहे उसके लिए सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो करते हैं, और डीवाई बाई डी एक्स करने से जीरो आ गया क्या, तो माइनस बाहर एक्स स्क्वायर का टू एक्स और फोर बाहर एक्स का वन, ओके। और जब जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू टू आ गया, जल्दी उतारो, इतना जल्दी उतार लो। और अब देखो बाबू, फिर ग्राफ से वैसे ही विश्वास दिलाएंगे, बस दोनों में विश्वास दिला दिए मैक्सिमम मिनिमम में, तो फिर विश्वास दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे पता ही नहीं चलेगा डीवाई बाई डी एक्स से कि मैक्सिमा की मिनिमा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो दोनों को सेपरेट कर दो, माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस फोर का डिफरेंशिएशन माइनस टू बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का जीरो, तो माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, जीरो खत्म, तो आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू विच इज लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो से क्या मतलब, जल्दी बोल दो ना, लेस देन जीरो से क्या मतलब, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन फंक्शन का, फिर से डिफरेंशिएशन, ये आ चुका है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस टू एक्स का माइनस टू और फोर का जीरो, तो माइनस टू इज लेस देन जीरो, इट मीन्स लेस देन जीरो रहता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या होता है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फंक्शन इज पॉसिबल एट एक्स इक्वल टू टू, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगा कहां, एक्स इक्वल टू टू पे। तो अब देखिए जल्दी सतारी, जल्दी 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 फास्ट जल्दी, अब कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू वो भी देख लेते हैं। चलो तो y इक्वल टू क्या था बच्चों, y इक्वल टू था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, फंक्शन देखना क्वेश्चन में दिए फंक्शन उसको देखो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, राइट? तो y ये पता चल चुका है कि मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो माइनस कितना x का वैल्यू टू, तो टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस एट, तो आ गया फोर, y का मैक्सिमम वैल्यू फोर आ गया आंसर। वो पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू टू, यानी x इक्वल टू टू पे y का वैल्यू फोर आया, यही मैक्सिमम है, और ग्राफ से भी दिखाने जा रहे हैं कि सच में ही मैक्सिमम है, राइट? कुछ नहीं करना बाबू, पहले डीवाई बाई डी एक्स जीरो कर लो, तो डीवाई बाई डी एक्स करने से जीरो क्या आएगा, पॉइंट आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, और जैसे एक्स का वैल्यू आएगा फिर से डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमम, राइट? चलो जल्दी से लिख लीजिए, अब ग्राफ से विश्वास दिला देते हैं, और में उसके बाद कोई जरूरत नहीं है विश्वास दिलाने की, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम दोनों में विश्वास दिला दिए तो अब क्या है ना, मैथ में बहुत डिटेल पढ़ना है बाबू, मैं बार बार बोल रहा हूं,
लेकिन फिजिक्स में जितना यूज है उसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो y इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स है ना। हाँ तो चलिए x इक्वल टू टू बाउंड्री है, x का वैल्यू जो टू आया है अभी तुरंत दिखाए हैं उसको बाउंड्री मान लो। राइट x y टू, तो टू पे कितना आया था बाबू, फोर आया था। हाँ चलो ना देख लेते हैं, माइनस है बाहर टू का स्क्वायर, ये मत सोचना कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस बाहर है टू का स्क्वायर फोर और फोर हो जाए तो फोर आ जाएगा। और देखो बाउंड्री अभी दोनों समझाया पीछे वाले में जरा ड्रॉ करते समय कि जी इसके आगे और इसके पीछे क्योंकि नेचर पैराबोलिक है तो सिमिलरिटी होगा है ना, सिमेट्री होगा। तो इसके पहले वैल्यू वन जीरो, बाद में वैल्यू थ्री फोर, और पहले ही हम कह देते हैं कि जो वैल्यू इसका आएगा वही इसका आएगा। देखो जो इसका वही इसका, जो इसका वही इसका। देखो हम तो बिना बनाए अभी चेक करते हैं क्योंकि पैराबोला है सिमेट्री है। अब देखो क्या होगा बोलो, x का वैल्यू कितना रखो, थ्री रखो, तो माइनस बाहर है थ्री का स्क्वायर नाइन और थ्री फोर जा ट्वेल्व तो थ्री आ गया। फोर रखो तो माइनस, अरे थ्री रखो ना, माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस नाइन और थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री आ गया। फोर रखो, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो माइनस पहले से सिक्सटीन और फोर फोर जा सिक्सटीन तो जीरो। अब यहां आराम से रख दो यहां भी थ्री और जीरो और रख के देख लेते हैं है ना। चलो जीरो रख के देखो तो जीरो जीरो जीरो, अरे जीरो जीरो जीरो, और वन रखो तो माइनस बाहर है, माइनस बाहर है तो वन का स्क्वायर वन और फोर इंटू वन यानी फोर माइनस वन थ्री। क्लियर। चलो अब देखो बच्चों ग्राफ ड्रो कर लेते हैं, आपको विश्वास हो जाए कि सच में सर मैक्सिमा का कंडीशन वही होता है जो आपने बताया है, मिनिमा का भी वही होता है जीरो से लेकर फोर तक। जीरो वन टू थ्री फोर, राइट। स्पीड बढ़ा लीजिएगा स्लो लगे तो। और जब जीरो है वेल्यू तो वाई का वेल्यू कहां तक, फोर तक गया है। वन टू थ्री फोर, तो जीरो पे जीरो बहुत अच्छा, वन पे थ्री क्या बात है, वन पे थ्री, टू पे फोर बहुत अच्छा, थ्री पे थ्री क्या बात है, थ्री पे थ्री और फोर पे जीरो। चलो देखो तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा सब पॉइंट, नहीं तो कर्व बनेगा, क्या बात है क्या बात है। तो बताओ बच्चों ये पॉइंट जो आया मैक्सिमा आया कि मिनिमा, मैक्सिमा अभी तुरंत बनाए थे, अभी तुरंत बनाए थे कि डी वाई बाय डी एक्स जीरो आया था इस क्वेश्चन में और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू लेस देन जीरो आया था, यानी फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा था, लेस देन जीरो आता था तो मैक्सिमा आता था। तो बताइए बच्चों इसका वैल्यू मैक्सिमा आया कहां, x इक्वल टू टू पे, y का वैल्यू मैक्सिमम आया फोर। क्या बात है सर, मजा आ गया मजा आ गया, x इक्वल टू टू पे y का मैक्सिमम वैल्यू फोर आ गया। अब तो मैक्सिमा मिनिमा में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, जल्दी उतारो, इसमें दोनों रहेगा मैक्सिमम मिनिमा दोनों। चलिए क्लियर हो रहा होगा अच्छे से बच्चों, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का जिसमें दोनों है, मैक्सिमा भी है और मिनिमा भी है। तो आइए फाइंड द मैक्सिमम, ये हम कह दिए तब ना कि दोनों है, ऐसे तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन ही रहेगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑफ द गिवन फंक्शन, क्लियर हो रहा है, गिवन फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स एक्स प्लस सेवेंटी टू। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, तो जल्दी हो गया। चलो
स्टार्ट करते हैं बाबू, वही प्रोसेस डीवाई बाई डीएक्स जीरो, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। रिगार्डिंग टू क्वेश्चन, क्या वाई इक्वल टू क्या दिया था? एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 72। चलिए सबसे पहला काम क्या है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन dy बाय dx इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन फर्स्ट, जल्दी बोलो, अरे बोलो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन dy बाय dx जीरो होता है। बहुत अच्छा, तो सबसे पहले मैं dy बाय dx निकालने जा रहा हूं बाबू, तो dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ y की जगह कितना है, एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर, dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 72। क्लियर, ध्यान दीजिए बच्चों, dy बाय dx, तो ddx ऑफ एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 72, तो सबको सेपरेट कर दो, तो ddx ऑफ एक्स क्यू माइनस, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, कांस्टेंट को बाहर करते जाते हैं, तो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर 36 बाहर, ddx ऑफ एक्स 72 को बाहर मत करना, ये तो बेचारा कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। जल्दी बोलो, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस 12 बाहर आ गया कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 36 बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट को वैसे ही छोड़ दी। याद है पावर से मल्टीप्लाई पावर माइनस 1, 3 से मल्टीप्लाई और पावर माइनस 1, 3 माइनस 1 2 राइट, और 12 एक्स स्क्वायर का तो 2x बहुत बार बताए हैं, 36 एक्स का डिफरेंशिएशन भी बहुत बार बताए हैं 1, और कांस्टेंट का 0, तो कितना गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 विच इज dy बाय dx। तो इसको तो याद रखना है भी काम देगा, लेकिन dy बाय dx जीरो करना भी तो मेरा काम है राइट। तो बताइए बच्चों इसमें कॉमन हो रहा है कुछ, dy बाय dx इक्वल कॉमन हो रहा है 3 तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, देखो 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 3 बाहर तो x स्क्वायर माइनस 12, 12 3 जा 24, 12 3 जा 8 3 जा ना 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 बाहर और 12 3 जा 36 ना, बोलो ना यार 3 बाहर आ गया तो 12 3 जा 24, नो 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 12 3 जा 36, तो 8 3 जा 24 और 12 3 जा 36। तो बताइए यहां से dy by dx 3 बाहर, ओके अब देखो यहां से यहां सबसे पहले dy by dx हमको करना होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू जीरो, तो 3 बाहर आ गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जीरो, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 बाई 3 जीरो, देखो तुम 6 टू जा 12, तो माइनस 2x माइनस 6x फर्स्ट इंटू लास्ट ब्रेक करना यही आएगा, दोनों को ऐड करो ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, ओके तो x बाहर x माइनस 2 माइनस 6 बाहर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 0 तो x 2 और x 6 आ गया, यानी x का वैल्यू 2 और 6 आ गया। देखो बाबू डेरिवेशन थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन इसमें दम नहीं है, और 12th का डायरेक्ट ये क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम है ना, लेकिन कुछ टफ नहीं लगेगा। सबसे पहले आपका काम क्या है dy by dx जीरो करना, वहां से पॉइंट आया, अब क्या होगा देखते हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए,
जल्दी। अब देखो, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद मेरा काम क्या है बच्चों, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तब ना पता चलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा पता चल रहा है कि टू पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, सिक्स पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो बताओ बच्चों क्या करें, क्या करें बता दो। तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस थर्टी सिक्स, राइट। अब देखो थ्री बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और कांस्टेंट का जीरो, डायरेक्ट कर दिया डिफरेंशिएशन। अब तो इतना क्लियर हो रहा होगा, थ्री बाहर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और थर्टी सिक्स का डिफरेंशिएशन जीरो, तो आ गया कितना सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फोर। यह आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। अब इसका वैल्यू अगर लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमा। तो आइए उस पे आते हैं जल्दी से। चलो ध्यान दो बच्चों, तो सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फोर, तो एट एक्स इक्वल टू टू, दो पॉइंट मिला है टू और सिक्स, तो सिक्स इंटू टू माइनस ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व इज लेस देन जीरो, तो मैक्सिमा आ गया। मैक्सिमा ये क्या बता रहा है, मैक्सिमा क्यों, व्हाई, क्योंकि एक्स इक्वल टू टू पे टू रखने पे एक्स का वैल्यू माइनस ट्वेल्व आ रहा है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो, मैक्सिमम फंक्शन एग्जिस्ट किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू टू पे। तो देख लेते मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू कितना था, एक्स क्यू माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स एक्स प्लस सेवेंटी टू, था कि नहीं था, था। तो बताओ टू का क्यू माइनस ट्वेल्व इंटू टू स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स इंटू टू प्लस सेवेंटी टू, तो एट माइनस फोर इंटू ट्वेल्व फोर्टी एट, थर्टी सिक्स इंटू टू सेवेंटी टू प्लस सेवेंटी टू, सेवेंटी टू सेवेंटी टू वन फोर्टी फोर और एट वन फिफ्टी टू, सही है ना। सही है, और माइनस फोर्टी एट फोर जीरो वन हंड्रेड फोर, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो आ गया 104 आ गया। अरे बोल दो यार, यानी कि x इक्वल टू टू पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन जीरो आया, तो पता चला कि मैक्सिमा होगा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, तो टू पे वही जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। चलिए जल्दी इतना लिखिए, जल्दी फास्ट जल्दी लिखिए जी। अरे बोलो बच्चा जल्दी। अब देखो यही से थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं, फिर से आपको कहां से लिखना होगा वो देखिए, देखिए वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। कितना आया है अगेन देखो, अब x का वैल्यू कहां, 6, तो x का वैल्यू 6 रखो, 6 6 जा 36, माइनस 24 इज प्लस 12 एंड प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0, और जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम, तो मिनिमम। बहुत अच्छा, क्या बात है, मजा रहे ना। मिनिमा होगा तो मिनिमा निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू यहां रखना होगा, सिक्स रखना होगा। वाह, तो सिक्स 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 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, टू सिक्सटीन आएगा, सिक्स सिक्स इंटू ट्वेल्व तो फोर थर्टी टू। कैसे कर लिए मल्टीप्लाई, देखो सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स सिक्स चार 216 और यहां पे 2 बच गया इंटू टू, तो 216 का डबल, राइट, और इससे मल्टीप्लाई करो तो 216 यही 36 सिक्स जा अभी तुरंत किए हैं प्लस 72, तो ये और ये ऐड हो करके इतना जाएगा, तो कितना गया 72,
तो वाई का मिनिमम वैल्यू आ गया 72 और मैक्सिमम वैल्यू आ गया, सॉल्व करने आता है तुमको यार, मैक्सिमम वैल्यू आ गया 104। तो जल्दी लिखिए, अब आते हैं फिजिक्स की ओर, फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन होता है उस पे आ गए जल्दी। फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमा का एक नमूना पेश करते हैं आपके सामने और उससे आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत अच्छा। और वो क्वेश्चन ट्रिपल ही का है बाबू, है ना, ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन अभी भी आपको क्लियर करते हैं कि इसी का यूज करके मैक्सिमम मिनिमा का बताते हैं। तो देखा जाए, डिवाइड या ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज क्यू, चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q1 and Q2, and both are at rest at constant distance, r, and electrostatic force between them is maximum then Q1 and Q2 are. Charge Q is divided into two parts, Q1 and Q2, and both are at rest at constant distance r, and electrostatic force between them is maximum, then Q1 and Q2 are. Option A hai, Q1 equal to Q by 4, or Q2 equal to 3Q by 4. Option B hai, Q1 equal to 3Q by 4 और Q2 equal to Q by 4. C option है, Q1 equal to Q by 2, Q2 equal to Q by 2 और D option है all. जल्दी लिखिए, तो क्वेश्चन लिख लीजिए क्या मतलब है अभी समझा रहे हैं। यहां देखो तो एक टर्म है मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको बता दें कि अभी 12th में आप नहीं है, आप 11th में है, इसलिए आपको यह फॉर्मूला दिया भी रह सकता है। चलो मैंने दे दिया यहाँ पे, एफ इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू बाई, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज इक्वल टू, है ना, एफ इक्वल टू क्या होता था, gm1m2 r2, जस्ट इन अ सिमिलर वे एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई r2, वेयर क्यू1 एंड क्यू2 आर बोथ चार्ज पार्टिकल्स और टू चार्ज पार्टिकल्स which are at rest at some distance r, and k is electrostatic constant whose value is 1 by 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9 in the air or vacuum, or it is 1 by 4 pi epsilon into epsilon r in the medium. तो ये चीज हम जिक्र करेंगे 12th के फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी सिर्फ हम फॉर्मूला लिख दिए, सिर्फ हमको मैक्सिमम मिनिमा समझना है। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, तो देखो बच्चों, चार्ज Q को डिवाइड करना है दो पार्ट में, Q1 और Q2 में, हाँ, और Q1 Q2 में डिवाइड करना है, और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए, तो सॉल्यूशन Q मान लो 10 कूलम रहा होगा, तो अलग अलग मान लेते हैं, तो लेट Q1 इक्वल टू अ स्मॉल Q एंड Q2 इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, और दोनों रेस्ट में हैं। दिमाग में सेट रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स होता है व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, तो Q1 इक्वल टू Q है
और Q2 इक्वल टू कैपिटल माइनस स्मॉल और डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिक्स्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बाबू ध्यान देना। तो ध्यान देना हम क्या कहने जा रहे हैं, हमने Q1 को मान लिया Q और Q2 को मान लिया Q माइनस Q, क्या मतलब है ये समझो। मान लो एक चार्ज अगर 1 कूलम होगा तो दूसरा 10 माइनस 1 यानी 9 होगा, एक अगर 2 होगा तो 10 माइनस 2 8 होगा दूसरा वाला सेकंड पार्ट। तो बताइए बच्चों कि 10 तो नहीं चेंज हो रहा है, अगर 1 चेंज हो रहा है तो 9 चेंज हो रहा है, लेकिन 10 तो वही है, यानी कि कैपिटल Q इज कांस्टेंट। वाह कौन कौन कांस्टेंट हो देखो, कैपिटल Q इज कांस्टेंट, डिस्टेंस R इज कांस्टेंट। क्वेश्चन में डिस्टेंस के बारे में कहता भी है किसी में नहीं भी कहता है, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ जाना कि R जो होगा वो फिक्स डिस्टेंस ही होगा। अरे रेस्ट में रखा जाएगा तो कोई फिक्स डिस्टेंस पे ही ना रखा जाएगा, और K इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बस ये समझ लेना है कि बस यही कांस्टेंट्स हैं, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है अभी, क्योंकि ट्वेल्थ में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। अब सोचो कि अगर एक पार्ट 1 होगा तो दूसरा पार्ट 10 माइनस 1 9 होगा, एक पार्ट 2 होगा तो दूसरा पार्ट 10 माइनस 2 8 होगा, कहने का मतलब ये कि 10 तो कांस्टेंट है तो Q कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है लेकिन कैपिटल Q चेंज नहीं हो रहा है, कैपिटल Q में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तब ना चेंज हो रहा है, क्लियर हो रहा होगा। चलो अब देखो बच्चों कैसे फिजिक्स में एप्लीकेशन करते हैं ये समझो। अरे क्लियर हुआ ना, एक पार्ट हमने क्यू मान लिया तो दूसरा पार्ट क्यू माइनस क्यू, यानी स्मॉल क्यू चेंज हो रहा है, स्मॉल क्यू इज वेरिएबल, स्मॉल क्यू इज वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, नहीं पता, इसको दो तीन मेथड से बताएंगे ट्वेल्थ क्लास में, लेकिन अभी सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम का यूज करके बताने जा रहे हैं, राइट। तो बताइए बच्चों कि अगर एक पार्ट हमने स्मॉल क्यू कंसीडर कर लिया तो दूसरा पार्ट क्यू माइनस क्यू, अभी तुरंत देखते हैं हम लोग, ये भी कर रहा है 1 होगा 2 होगा 3 होगा कुछ भी, ये तो 10 फिक्स हम कंसीडर कर लिए, मान लिए समझने के लिए 10, तो ये तो फिक्स है, तो 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2 8, यानी ये कांस्टेंट लेकिन स्मॉल क्यू इज वेरिएबल बट कैपिटल क्यू इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट एंड के इज कांस्टेंट, राइट। तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा एफ इक्वल टू वो होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मैक्सिमम कर दिया है बस आसान हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा और थोड़ा दूर तक ले चलेंगे आपको, के क्यू वन मतलब स्मॉल क्यू, क्यू टू मतलब कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, जल्दी बोलिए जी, अरे बोलिए जी। तो अब देखिए जी कोई दिक्कत, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू वन इज स्मॉल क्यू एंड क्यू टू इज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, राइट। तो एफ इक्वल टू आ गया के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्या गया एफ इक्वल टू आ गया के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बताइए कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, के आर कांस्टेंट है, इट मींस फोर्स इज फंक्शन ऑफ अ स्मॉल क्यू, बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो क्लियर हुआ, एक बार और रिपीट करें ध्यान से सुनो, अगर एक पार्ट हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल क्यू, हमको नहीं पता कितना वेरिएबल मान लिए, कुछ नहीं पता कितना वेरिएबल कुछ मान लिए, तो वेरिएबल कंसीडर किया हमने क्यू, तो एक पार्ट बच जाएगा क्यू माइनस क्यू, क्योंकि दोनों को एड करेंगे तो आ जाना चाहिए क्यू, क्लियर। तो अब बताइए कि एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू इज कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट, आर इज कॉन्स्टेंट, सो फोर्स इज द फंक्शन ऑफ अ स्मॉल क्यू, तो एफ इज फंक्शन ऑफ अ स्मॉल क्यू, तो क्या लिखेंगे फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एफ डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू जीरो, बोलिए बोलिए डीए बाई डी क्यू जीरो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए अगर y जो होता था x का फंक्शन होता था, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x देन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y dy बाई डी एक्स बिकम जीरो, अरे जल्दी बोलो दोस्त बोलो, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बिकॉज दिस y इज फंक्शन ऑफ x, सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो,
जीरो। तो बताइए डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू जीरो आ चुका है, तो आप हमको बताइए कि यहाँ पे फोर्स जो है वो क्यू का फंक्शन है, तो एफ इज फंक्शन ऑफ क्यू फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डीएफ बाई डी क्यू इक्वल टू जीरो। क्लियर, यहाँ पे वाई एक्स का फंक्शन है तो डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे फोर्स स्मॉल क्यू का फंक्शन है तो डीएफ बाई डी क्यू जीरो। क्लियर, जल्दी उतारो, जल्दी फास्ट, जल्दी। अब देखिए बच्चों, हम जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे आंसर आ गया, लेकिन एक बात और आपको बताएंगे, यहीं तक मैक्सिमम कर चुका है यानी कंफर्म है कि मैक्सिमम ही लग रहा है फोर्स, लेकिन हम कुछ और आगे बढ़ा के आपको समझाएंगे अच्छे से। तो बताइए पहले डीएफ बाई डी क्यू निकाल लेते हैं, तो डीएफ बाई डी क्यू, तो डी डी क्यू ऑफ के बाई आर स्क्वायर क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर, राइट, कॉन्स्टेंट बाहर। अब देखिए बच्चों, इस दोनों में कॉन्स्टेंट क्यू है और क्यू का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में टू क्यू। जल्दी बोलो, देखो ध्यान देना, के क्यू बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन था बाहर गया, इस दोनों में क्यू बाहर कॉन्स्टेंट है तो, और क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वन, तो क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में वन, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में टू एक्स, तो क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में टू क्यू, पावर से मल्टीप्लाई पावर माइनस वन। अब बोलिए डीएफ बाई डी क्यू जो आया वो आया के बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस टू क्यू, और इसी का वैल्यू में जीरो तब ना मैक्सिमम, तो इसका वैल्यू जीरो, तो के बाई आर स्क्वायर क्यू माइनस टू क्यू, इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो में तो जीरो, बाय डिवाइड होगा कैसे तो जीरो, यानी जीरो जीरो इंटू समथिंग बाय समथिंग तो जीरो, तो टू क्यू इक्वल टू क्यू आ गया, क्यू इक्वल टू स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, कैपिटल क्यू बाई टू, तो स्मॉल क्यू क्यू वन था तो कैपिटल क्यू बाई टू, और क्यू टू था क्यू माइनस क्यू तो क्यू माइनस क्यू बाई टू यानी क्यू बाई टू। वाह, दोनों सेम आ गया, क्यू वन भी आ गया क्यू टू भी आ गया, यानी जिसमें क्यू वन क्यू टू क्यू बाई टू है वही ऑप्शन हो जाएगा। और इसका रेशियो भी पूछता है, यानी ट्रिपल का क्वेश्चन है बाबू, इसको बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स में अलग अलग स्टाइल में इस क्वेश्चन को पूछे, तो रेशियो क्या हो जाएगा, वन रेशियो वन, क्योंकि डिवाइड करेंगे क्यू वन इन डिवाइड बाई क्यू टू, तो सेम है ना, वैल्यू सेम है, तो Q1 रेशियो Q2, तो ये रेशियो ये कैंसिल होके 1 रेशियो 1, एंड दिस इज द आंसर। समझा रहे ना, आ रहा है ना, बताइए Q1 आ गया Q, Q by 2, Q2 आ गया Q minus Q, capital Q minus small Q, तो Q minus Q by 2, तो Q by 2, अरे 1 minus half half, clear, लेकिन इतना सेंसर आ गया, आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको विश्वास दिलाएं कि डीवाई बाई डीएक्स है, तो सर डीवाई बाई डीएक्स अगर जीरो होता है तो मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, डीवाई बाई डीएक्स जीरो है तो मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, तो सर क्यों आपने मैक्सिमम ही सिर्फ लिया सर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था इसलिए, नहीं देखो और भी आगे चलते हैं थोड़ा सा, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी हो गया। लेकिन हम लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या कर रहे हैं, सो देखिए कैसे मान लें कि मैक्सिमम ही है मिनिमम भी हो सकता है, तो देखो उसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं बाबू, है ना, उसके लिए क्या करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो याद है इसको ऐसे लिखते थे, बोलो, यानी कहने का मतलब क्या कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो डी डी क्यू ऑफ डीए बाई डी क्यू कितना बोलो, तो के बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस टू क्यू, जल्दी बोलो, तो बताओ बच्चों के बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, क्लियर हो रहा है ना, बन गया आंसर आ गया, लेकिन हम थोड़ा सा और फील कराते हैं तुमको कि डीए बाई डी क्यू के बाई आर स्क्वायर क्यू माइनस टू क्यू, तो बताइए बच्चों डी डी क्यू ऑफ डीए बाई डी क्यू यही ना है,
अरे डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डी डी एक्स, तो डी ए बाई डी क्यू का फिर से डी डी क्यू, ओके तो डी डी क्यू ऑफ के बाई आर स्क्वायर क्यू माइनस टू क्यू बाहर कॉन्स्टेंट बाहर, तो आ गया के बाई आर स्क्वायर बाहर, और कैपिटल क्यू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो माइनस टू इंटू क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में वन, तो कितना गया माइनस टू के बाई आर स्क्वायर लेस देन जीरो आया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज कांस्टेंट, उस वैल्यू इज पॉजिटिव और आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, टू इज पॉजिटिव, सो ओवरऑल इज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव मींस नेगेटिव मींस लेस देन जीरो। बताइए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या गया, डी एफ स्क्वायर डी स्क्वायर एफ बाय डी क्यू स्क्वायर इज लेस देन जीरो, इट मीन्स मैक्सिमा एक्शन फंक्शन जो होगा वो फंक्शन का मैक्सिमा वैल्यू होगा कि मिनिमा, मैक्सिमा अभी तुरंत हमने क्वेश्चन में मैक्सिमा लिखा था और वहीं तक बना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन बच्चों वहां तक मत बनाओ, इसको चेक करके देख लो कि सच में मैक्सिमा है, क्योंकि वहीं तक बना के देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैक्सिमा की मिनिमा, राइट वहां तक बनाओगे तो पता चलेगा कि मैक्सिमा की मिनिमा, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स तो दोनों में जीरो होता है, राइट तो बनाते रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।